अच्छा भैया, मैं तो आप ये बताओ कि आप जो ट्राइकोडर्मा से टोर का बीज को उपचार करने की बात कर रहे तो केना तरीका से करत जरा मैं बताओ को उपचार करी ने ना। हाँ हूँ, टोर का बीज को ट्राइकोडर्मा से उपचार कर रोज आप देख लीजिए। सबसे पहले तो प्लास्टिक की थैली भी चाहिए लेना, उसके बाद 1 किलो तोवर का बीज का ये कप डाल डालनु छे। एका बाद एका पर थोड़ा सा पानी का छींटा मारनु ताकि ट्राइकोडर्मा अच्छे से बीज में चिपकी जाए। एका में 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिले रोज हूँ। एक अच्छो सो मिलाई देनु छे ताकि यो बीज से अच्छो चिपकी जाए। अब यो उपचारित बीज तैयार हुई गो। एक अब हम तगारी में डाल ले और एक आधा घंटा तक छाव में अच्छो सो सुखाई लेऊंगा। उपचारित बीज का आधा घंटा बाद छाव सुखाने के बाद एक लगे दूँ। अच्छा भैया, मैं आप ये बताओ कि जो ट्राइकोडर्मा से तोर का बीज को उपचार करो तो एक अपने फायदों का ही छे। ट्राइकोडर्मा का फायदा ये छे कि जो तुअर को पौधो रहे जो कि जड़ न का फफूंद नहीं लगा और फफूंद नहीं लगेगा, सड़न नहीं लगेगा अगर जड़ पर, तो पौधो अच्छो तैयार होएगा, फसल अच्छी आओगा और पौधों स्वस्थ रहेगा तो उत्पादन भी अच्छा रहेगा और कीटनाशक दवाई को जो खर्च है वो भी बची जाएगा। एका से ट्राइकोडर्मा से तुअर का बीज को उपचार हूँ करी रोज। जो ट्राइकोडर्मा से बीज के उपचार के बारे में तुमने मेरे को बहुत बढ़िया जानकारी दी, ये कल तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तब जो तू माननीय किसान ने ट्राइकोडर्मा से तोर का बीज के उपचार के बारे में काई मतलब संदेश देना चाहोगे या काई राय देना चाहोगे? सभी किसान भाई ना को हम यो संदेश देना चाहूँगा कि ट्राइकोडर्मा को उपयोग करा, क्योंकि एका से बहुत सारो फायदो छे अपन का। जो तुअर का पौधा का जो फफूंद लगे, जो बीमारी नहीं लगे, जो नहीं लगेगा, पौधो स्वस्थ रहेगा तो उत्पादन भी अच्छो रहेगा। सभी किसान भाई ना हम यो संदेश देना चाहूँ कि तुअर का बीज को ट्राइकोडर्मा से उपचार करी ना बोवा। अच्छा भैया, आपने ना ट्राइकोडर्मा से मगर तोर का बीज के उपचार के बारे में बहुत बड़ी जानकारी दी, कल्याण तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।